हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन 3 ऑफ यूनिट 1 पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. सो लेट्स बिगिन. द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग रिक्वायर्स इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स. दैट मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग वी रिक्वायर इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स. स्टूडेंट्स, इन जनरल फॉर कम्युनिकेटिंग वी नीड टू स्किल्स, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. कम्युनिकेशन के लिए हमें टू स्किल्स की नीड होती है. वन इज इंटरपर्सनल एंड अदर वन इज इंट्रापर्सनल. सो व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल्स? इंटरपर्सनल इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल. मीन्स जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो टू और मोर पर्सन्स के बीच में होती है, वर्बली और नॉन वर्बली. एंड व्हाट इज इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल इज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड सो ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व्ड. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम खुद से करते हैं, इसलिए वहां पे केवल एक पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, जो कि हम खुद होते हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, जिसमें जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है उसके माइंड में कंटिन्यूअस होती रहती है. सो अवर टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. पर्सपेक्टिव मींस दृष्टिकोण. सो पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच दे इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव किसी भी इंडिविजुअल्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसके थ्रू वो किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं या समझते हैं. इट मीन्स एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट व्यू अबाउट समवन एल्स. डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज एवरीवन सीज थिंग्स डिफरेंटली एंड इंटरप्रेट मैसेज विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज बिलीफ एंड इंटेंशंस. कि हर एक पर्सन का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और वो हर एक मैसेज को अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपने इंटेंशंस के हिसाब से या बिलीफ के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है. हेयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग perspectives in communication. First one is language, second one is visual perception, third is past experience, fourth prejudice, fifth feelings, sixth environment, seventh culture, and eighth one is belief. So our first factor that affects the communication process is language. Language is considered to be the most important element in communication. Communication में सबसे ज्यादा important element है वो होता है language. Incorrect use of words, new language or lack of details act as an communication barrier. Means in case of use of incorrect words, unfamiliar language and lack of detail, language can act as a barrier to communicate what one wishes to convey. Means कि incorrect words का use करने से या फिर unfamiliar language कि जिससे हम इतना उस language से हम familiar नहीं है उसका use करने से या फिर हमें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पूरी detail ना हो, इन सब से क्या होता है कि जो हमारी communication है वो affect होती है और जो हम convey करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर वैन एन इंडियन हु ओनली नोज इन हिंदी एंड चाइनीज हु हैज अ नॉलेज ऑफ मैंडेरियन ओनली वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. जैसे कि मतलब वहां पे जो लैंग्वेज है वो एक एज अ बैरियर काम करेगी जब एक इंडियन और चाइनीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बट इंडियन को केवल हिंदी आती है और चाइनीज को मैंडेरियन आती है, तो वो आपस में क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. At
at other time some words may be interpreted differently. कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो इट इज एडवाइज्ड टू यूज सिंपल वर्ड्स एंड सिनोनियम्स दैट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट थॉट एंड लीव द लीस्ट टू इंटरप्रिटेशन. सो फॉर बेटर कम्युनिकेशन हम यही एडवाइस करते हैं कि हमें हमेशा सिंपल वर्ड्स का ही यूज करना चाहिए और ऐसे सिनोनियम्स यूज करने चाहिए जो कि फैमिलियर हो. अवर सेकंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन दैट इज विजुअल परसेप्शन. विजुअल परसेप्शन मतलब जो चीज हम देखकर उसके बाद एक अपना परसेप्शन बना रहे हैं, नजरिया बना रहे हैं, वो होता है विजुअल परसेप्शन. इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग. मतलब कहा जाता है कि जो चीज हम देखते हैं वो क्या है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं. इट इज ट्रू दैट वी टेंड्स टू बिलीव व्हाट आवर आईज टेल अस. कि जो हमारी आंखें हमको दिखाती हैं हम उसको सच मान लेते हैं. बट व्हाट आवर आईज टेल अस इज नॉट ऑलवेज द ट्रूथ. पर जो हमारी आंखें हमको दिखा रही हैं वो हमेशा ट्रूथ नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता. ये कंपल्सरी नहीं है कि जो हमने देखा वो क्या है, वो ही सही है. हो सकता है कि जो हमने देखा उसके रिगार्डिंग हमारा परसेप्शन कुछ और है और उसको कोई और देखे तो उसका परसेप्शन क्या होगा, कुछ और होगा. लाइक एग्जाम्पल 9 और 6, तो ये डिजिट है. एक पर्सन बोलता है कि ये 9 है और दूसरा बोलता है ये 6 है. तो उन दोनों का क्या है, अपना अलग अलग परस्पेक्टिव है. अवर नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स अवर परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन दैट इज पास्ट एक्सपीरियंस. अवर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशंस. मीन्स हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मतलब जो हमने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके बेस पर ही हमारा किसी के, मतलब किसी पर्सन के रिगार्डिंग या प्लेस के रिगार्डिंग या सिचुएशन के रिगार्डिंग एक क्या बन जाता है, एक शेप आ जाती है हमारे माइंड में, या हम कहें एक परसेप्शन बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या किया, जो हमारी क्लॉदिंग साइट्स होती हैं, ऑनलाइन आप कपड़े ऑर्डर वगैरह करते हैं, आपने क्या किया, उनसे कुछ क्लॉथ्स मंगाए, ठीक है. बट जब वो क्लॉथ्स डिलीवर हुए तो वो क्लॉथ्स आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं आए, कुछ अच्छे नहीं आए. तो अब आपको क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ऑर्डर करना होगा तो आपका एक माइंड बन जाएगा कि नहीं, मैंने पहले मंगाए थे तो पहले तो अच्छे नहीं आए थे, तो क्या मैं अब मंगाऊं या नहीं मंगाऊं. तो ये क्या हुआ कि आपका एक परसेप्शन बन गया उस वेबसाइट के बारे में, क्लॉथिंग वेबसाइट के बारे में, कि हाँ इससे कपड़े अच्छे नहीं आते हैं. तो मतलब आपने पहले एक्सपीरियंस किया पास्ट में, और फ्यूचर में जब भी आप कुछ उनसे मंगाना चाहेंगे तो जो पहले आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो आपके सामने आएगा और तभी आप क्या करेंगे, उसे ऑर्डर करेंगे. जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, अपनी क्लास में अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, और जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन थोड़ा सिली था या फिर बहुत इजी था, और जब उसने पूछा तो बाकी जो बच्चे थे क्लास के वो उन पे हंसने लग गए, बोले अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको यही नहीं आता, बहुत इजी था, सबने उसका मजाक बनाया. और अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो उसके माइंड में दोबारा से वही एक्सपीरियंस आएगा कि जब मैंने पहले पूछा था तो वो क्वेश्चन कितना इजी था ना, सब बच्चे मुझ पे हंस रहे थे, टीचर ने भी बोला कि ये तो बहुत इजी है, आपको आता नहीं है बेटा. तो क्या होगा, इससे उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी क्वेश्चन पूछने की, कि पहले भी बच्चे मुझ पे हंसे थे, अब भी हंसेंगे, तो छोड़ो मैं पूछता ही नहीं हूँ, छोड़ो. तो मतलब एक कम्युनिकेशन क्या होगी, उस परसेप्शन के कारण आगे नहीं बन पाएगी, वो कम्युनिकेशन वहीं पे रह जाएगी, वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं पाएगा. सो वी कैन से दिस इज एन परस्पेक्टिव इन अवर माइंड दैट वी हैड डेवलप्ड ड्यू टू अवर पास्ट एक्सपीरियंस. कि हमने ये परस्पेक्टिव अपने माइंड में बनाया अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प पे. ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैन बी गुड एंड बैड. कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो हो सकते हैं गुड भी और बैड भी. जैसे आपने जो ऑर्डर किया था सामान, क्या पता वो सही आए,
जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे और अच्छा है, तो क्या होगा, जो आपका पर्सपेक्टिव बनेगा वो एक पॉजिटिव बनेगा, गुड पर्सपेक्टिव बनेगा, और नेक्स्ट टाइम से आप और ऑर्डर करेंगे उस पर सामान, दूसरों को भी बोलेंगे कि वो अच्छी साइट है, आप वहां से सामान मंगाया करें। तो यह है कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प पे जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजुडिस दैट अफेक्ट्स पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज प्रिजुडिस इन हिंदी? प्रिजुडिस मीन्स पक्षपात। सो आर स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग्स ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग somebody or something, especially when it based on his or her race, religions or gender. Means किसी person को या किसी वस्तु को नापसंद करना या उस पर विश्वास न करना, especially उसकी जाति की वजह से या उसके gender की वजह से या फिर उसके धर्म की वजह से, तो ये क्या होता है? Prejudice. It is considered a negative attitude related to hatred or discrimination. Like when you discriminate, you may take decision without trying to find out all needed information about the person or the group that you are judging. Means कि अगर आप पहले से ही आप उससे जेंडर के बेस पे या फिर आप उसके धर्म के बेस पे आप उससे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो मतलब आपने उसको पहले ही जज कर रखा है, ठीक है, कि मतलब उसके धर्म के बेस पे, तो आप जो डिसीजन लेंगे वो भी क्या होगा, आपका सही डिसीजन नहीं होगा। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, बस आपने देखा कि हाँ भैया इसका धर्म ये है और आपने उसके बेस पर ही एक पक्षपात भरा डिसीजन उसके लिए ले लिया। तो इससे भी क्या होगी, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होगी कि हमने किसी के धर्म के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से हमने पहले ही उसका परसेप्शन बना लिया है और हम कुछ और नहीं सुनना चाहते, हमने अपना डिसीजन ले लिया। तो यह है प्रिजुडिस। अवर नेक्स्ट फैक्टर दैट इज फीलिंग्स। फीलिंग्स एंड इमोशंस टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए हमारी जो फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस होते हैं वो भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। मींस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक। मीन्स कि अगर किसी स्पेसिफिक डे आपकी तबीयत सही नहीं है या आपको ठीक नहीं लग रहा, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो आप किसी से आपका बात करने का मन नहीं करेगा। तो मतलब कि उस डे पे आप कैसा फील कर रहे हैं तो उससे भी आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन आपकी अफेक्ट होती है। लेट टेक वन मोर एग्जाम्पल। वी डिड नॉट हैव अ ग्रेट डे एज वी लॉस द मैच, फुटबॉल मैच। मतलब आज हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे या हमारा आज का डे अच्छा नहीं गया क्योंकि हम अपने फुटबॉल मैच में आज हार गए। देन अवर मदर कम्स टू अस फॉर आस्किंग डिनर। तो हमारी मदर हमारे पास आई फॉर आस्किंग डिनर एंड वी शाउट एट हर, और हमने उनपे चिल्ला दिया, ठीक है। वी वुड फॉर श्योर नॉट गिव दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन इफ वी वर इन अ गुड मूड। मतलब अगर हम अच्छे मूड में होते, हमारा डे अच्छा जाता, तो हम उससे ऐसे रिएक्ट नहीं करते, हम उससे ऐसे बात नहीं करते। तो मतलब क्या है, मीन्स ये है कि हम उस स्पेसिफिक डे पे हमारा दिन कैसा गया या फिर हम कैसा हम फील कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी कम्युनिकेशन होती है। कि अगर हम अच्छा उस दिन हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम और अच्छे से जो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है उससे हम अच्छे से रिस्पॉन्स करें, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके रिगार्डिंग अच्छी हो, हमारी जो टोन है वो अच्छी हो। पर हो सकता है कि आज हमारा मूड सही नहीं है, हमारा डे अच्छा नहीं गया, तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या फिर हमारी टोन है वो भी क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जो ऑटोमेटिक हमारी कम्युनिकेशन है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट इज अवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। कि जो भी हमारे आसपास है वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट भी हमारी जो कम्युनिकेशन है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है या फिर उससे बहुत हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत रिलेट रहती है। जैसे अगर बहुत नॉइजी एनवायरमेंट है या क्राउडेड है या फिर स्मेली है
तो हम वहां पे हम अच्छे से रुक नहीं पाएंगे उस प्लेस पे और हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि इफ द एनवायरमेंट इज नॉइजी क्राउडेड और स्मेली देन इट विल श्योर अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज कल्चर। गेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज मे मीन डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का मतलब या फिर हमारे गेस्चर्स का मतलब हर एक कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेविंग हेलो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गेस्चर्स इन अमेरिका कल्चर एंड इट इज वेरी ऑफेंसिव इन ग्रीस, कि वेव करना किसी को हेलो बोलना ये एक बहुत अच्छा कल्चर माना जाता है अमेरिका में, जबकि इसको बहुत ऑफेंसिव लिया जाता है कहाँ पे, ग्रीस पे। तो मतलब हम वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग भी हमारे जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो सकती है, कि अगर हम अमेरिका में किसी को हेलो कर रहे हैं वेव कर रहे हैं तो वो लोग हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा मतलब उसको बहुत अच्छा वर्ड लिया जाता है, बट अगर हम इसको हम ग्रीस में बोलेंगे तो वो लोग बहुत काफी ऑफेंसिव हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल जैसे थम्स अप, कि अगर हम बात करें सिटीज वगैरह की तो वहां पे जो थम्स अप का मतलब होता है वो होता है ओके, ठीक है मैं आपसे एग्री हूं या मैं आपसे मतलब सहमत हूं, ठीक है एक तरह का पॉजिटिव साइन होता है। बट अगर हम यही हम जाएं रूलर एरियाज वगैरह में तो थम्स अप का मतलब होता है अंगूठा दिखाना, तो अगर हम वहां पे किसी को हम दिखाएंगे थम्स अप तो हो सकता है कि वो उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करे। तो इन सबसे भी क्या है हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होती है। द लास्ट वन इज बिलीव। A belief is an idea that a person holds as being true, कि मतलब एक विश्वास रखना जो किसी भी पर्सन को आपके साथ बांधे रहे कि हाँ आपको उस पर विश्वास है तो आप उसको हमेशा ट्रू समझेंगे या फिर उसको आप सच समझेंगे, ठीक है। एंड इट कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जो ये बिलीव है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आता है, सच एज अ पर्सन ओन एक्सपीरियंस, कि उस पर्सन ने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तब उसका किसी के रिगार्डिंग बिलीव आया हो, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर, कि वो उसके कल्चर को एक्सेप्ट करता हो, रिलीजियंस को एक्सेप्ट करता हो या फिर सोसाइटी नॉर्म्स वगैरह को। तो यही है कि मतलब किसी पे बिलीव करना क्योंकि आप उसको सच मानते हैं पहले से, इसलिए आप उससे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे आपकी क्या होगी कम्युनिकेशन अफेक्ट होगी हमेशा।